साथियों, आपको ध्यान होगा 15 अगस्त को लाल किले से मैंने कहा था यही समय है, सही समय है। हर देश के इतिहास में ऐसा समय आता है जब देश की चेतना नए सिरे से जागृत होती है। भारत में आजादी के 25 साल पहले, 47 के पहले 25 साल याद कीजिए, आजादी के 25 साल पहले ऐसा ही समय आया था। गांधी जी के असहयोग आंदोलन ने पूरे देश को एक विश्वास से भर दिया था। गांधी जी ने स्वराज के संकल्प से हर भारतवासी को जोड़ दिया था। ये वो दौर था जब हर भारतीय आजादी के लिए जी जान से जुट गया था। इसका नतीजा हमने 1947 में भारत की आजादी के तौर पर देखा। आजादी का ये अमृतकाल भी भारत के इतिहास का ऐसा ही पड़ाव है। आज से 25 साल बाद भारत अपनी आजादी के 100 वर्ष पूरे करेगा। हमारे पास भी 25 वर्ष का अमृत कालखंड है। इन 25 वर्षों में हमें मिलकर भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। लक्ष्य बड़ा है, लक्ष्य कठिन भी है, लेकिन हर देशवासी को आज इसके लिए जी जान से जुटना ही है। नए प्रण लेने हैं, नए संकल्प लेने हैं, नई गति पकड़नी है। और इतिहास गवाह है कि हम भारतीयों का विश्वास सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं रहता। हमारी आजादी की लड़ाई ने दुनिया के बहुत सारे देशों में उस समय एक नई चेतना जागृत कर दी थी। हमारी आजादी की लड़ाई से भारत तो आजाद हुआ ही, साथ ही कई देश आजादी की राह पर चल पड़े। भारत के विश्वास ने दूसरे देशों के विश्वास को सहारा दिया था। और इसलिए भारत जैसा विविधता से भरा देश, इतनी बड़ी आबादी वाला देश, इतनी सारी चुनौतियों से लड़ने वाला देश, जब एक विश्वास के साथ आगे बढ़ता है तो इससे दुनिया के अनेक देशों को प्रेरणा भी मिलती है। भारत की हर सफलता आने वाले दिनों में दुनिया के अलग अलग भूभाग में अलग अलग देशों की सफलता के रूप में प्रेरणा का कारण बनने वाली है। आज यदि भारत तेजी से गरीबी दूर करता है तो ये कई देशों को गरीबी से बाहर आने की प्रेरणा भी देता है। भारत का विकसित होने का संकल्प कई और देशों का संबल बनेगा। इसलिए भारत की जिम्मेदारी और बड़ी हो जाती है। और साथियों, सफलता की पहली शर्त
सफलता की पहली शर्त सफल होने का विश्वास ही होती है। ये नया संसद भवन इस विश्वास को नई बुलंदी देने वाला है। ये विकसित भारत के निर्माण में हम सभी के लिए नई प्रेरणा बनेगा। ये संसद भवन हर भारतीय के कर्तव्य भाव को जागृत करेगा। मुझे विश्वास है इस संसद में जो जनप्रतिनिधि बैठेंगे वे नई प्रेरणा के साथ लोकतंत्र को नई दिशा देने का प्रयास करेंगे। हमें नेशन फर्स्ट की भावना से आगे बढ़ना होगा। इदम राष्ट्राय इदम नमः। हमें कर्तव्य पथ को सर्वोपरि रखना होगा। कर्तव्यमेव कर्तव्यम, अकर्तव्यम न कर्तव्यम। हमें अपने व्यवहार से उदाहरण प्रस्तुत करना होगा। यद यदा चरति श्रेष्ठ तत्देव इतरो जनः। हमें निरंतर खुद में सुधार करते रहना होगा। उद्धरेत आत्मना आत्मानानम। हमें अपने नए रास्ते खुद बनाने होंगे। अप्पदिवो भवः। हमें खुद को खपाना होगा, तपाना होगा। तपसो ही परम नास्ति तपसा विन्दते महत। हमें लोक कल्याण को ही अपना जीवन मंत्र बनाना होगा। लोकहितम मम करणीयम। जब संसद के इस नए भवन में हम अपने दायित्वों का ईमानदारी से निर्वहन करेंगे तो देशवासियों को भी नई प्रेरणा मिलेगी।